सभी मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको जरूर आज बदलेगा और जो भी आज परमेश्वर से मांगोगे परमेश्वर आप जरूर देगा। और जैसा कि आपने हेडिंग में पढ़ भी लिया होगा, जिसका विशेषकर बिजनेस का प्रॉब्लम है, जो कर्जे से लदा हुआ है, जो जिसका हर समय कर्जा जो है उनके ऊपर लदा रहता है, तो आज हम इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु से हम क्षमा मांगेंगे, प्रभु से हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और जो है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वो देगा। तो ठीक है, आइए हम जल्दी से अपने अपने आँखों को बंद करें और घुटनों के बल आ जाएं, हाथों को उठाएं, नम्र और दीन बन जाएं और परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। आइए हम सब लोग जो है इधर उधर बिल्कुल मत देखें, मोबाइल को मेरे प्रियो आप मढ़ा कर आप मेरे प्रियो उसके सम्मुख में बैठ जाएं और जो है अपने आँखों को बंद करके हाथों को जोड़कर मेरे प्रियो आकाश की ओर अपने मनों को लगाएं, क्योंकि राजा दाऊद भी कहता है मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सचमुच में वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा और आपकी हर एक कमी घटी को वो पूरा करेगा। हालेलुया। पवित्र पवित्र महान परमेश्वर पिता, सेनाओं की यहोवा याकूब का परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। पवित्र पवित्र महान परमेश्वर पिता, सेनाओं की यहोवा याकूब का परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जितने मसीह भाई बहन प्रभु जी जो कर्जा है, जो कर्जा से जूझ रहे हैं, उनके कर्जा में जो भी परमेश्वर पिता शैतान अटैक करके रखा है, उनका कर्जा बटता नहीं है पिता, जो प्रभु जी हर समय कर्जा में दबे हुए हैं, हर समय उनके पास प्रभु जी कर्जा ही रहता है, जिसके चलते उनके शरीर में जो है कई प्रकार के जो है तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं, तरह तरह की समस्या उठ लगते हैं। इंद्रम अब जीसस आज हर एक जन के प्रभु जी कार बदलने लगे, हर एक जन जो है उनका जो है मन बदलने लगे, हर एक जन के जो है कर्जा माफ हो रहा है आज यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करो आज हर एक जन के कर्जा माफ हो रहा है, विश्वास करो परमपिता परमेश्वर आज हर एक जन के मन को बदल रहा है, विश्वास करो परमपिता परमेश्वर आपके हर एक कर्जा को माफ करेगा, हर एक प्रकार के अंधकार की ताकतों को दूर करेगा, हर एक प्रकार के बातों को परमेश्वर जो दूर करेगा, सहायता और मदद करेगा, हर एक कष्ट से, हर एक कर्ज और माफ, हर एक कर्ज और बोझ से परमेश्वर जो दूर करेगा, सहायता और मदद करेगा। और जितने भी कर्ज है आपके ऊपर परमेश्वर आज वो कर्ज को दूर करने वाला है। विश्वास के साथ आप मेरे पर समर्पण के साथ इस प्रार्थना को सुने। आज बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है और बड़े बदलाव को परमेश्वर देने जा रहा है आपके जीवन में। हालेलुया। इंद्रम अब जीसस, क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ कहा। सचमुच में परमेश्वर को वचन हमको सिखाता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ कहा परमेश्वर ने। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर पिता हम आज प्रार्थना करते हैं आज हर एक जन के कर्ज को माफ करिए प्रभु जी, जो उधारी है पिता, जो प्रभु अपने बिजनेस का फाइनेंस है, जो परमेश्वर पिता अपने फाइनेंस में गाड़ी को उठाए पिता, वो गाड़ी का प्रभु जी कर्जा नहीं हो वो नहीं पट रहा है पिता, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं उनका कर्ज जो है यीशु के नाम से वो प्रभु जी दूर होने पाए, वो कर्जा माफ होने पाए और प्रभु जी वो कर्जा को आप प्रभु जी वो सॉल्व करने में सहायता और मदद करें, उनके प्रभु जी कर्ज में प्रभु आप सहायता और मदद करें, वो कर्ज प्रभु जी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो प्रभु जी पटने पाए और प्रभु जी वो कर्ज का प्रभु जी जो बोझ वो कर्ज का प्रभु जी दबाव है, वो कर्ज प्रभु जी टेंशन है, वो कर्ज के चलते परमेश्वर पिता उनके शरीर में तरह तरह की बीमारी और तरह तरह की प्रभु जी योजना, वो तरह तरह की प्रभु जी प्रश्न उनके जीवन में उठता है, प्रभु आज यीशु के नाम से उनके जीवन से उनके मन से वो प्रभु जी बदल जाए और हर एक जन विश्वास के साथ वो उद्धार करता परमेश्वर पिता वो प्रभु जी अपने जीवन को बड़े बदलाव को देखने पाए पिता। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, विश्वास के साथ प्रभु जी हर एक मसीह भाई बहन जो है वो बदलने पाए और विश्वास के साथ हर एक उद्धारकर्ता परमेश्वर के सम्मुख में जो है अपने जीवन को जो है देने पाए और सचमुच में उनके जीवन को परमेश्वर बदलेगा और हर एक मसीह भाई बहन जो है आज अपने जीवन को बदल कर विश्वास के साथ अपने जीवन को जो है बदल कर एक भूख और प्यास के साथ समर्पण के साथ दीन और नम्रता के साथ आज देखेंगे जो है। हालेलुया हालेलुया। यस 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 यस। विश्वास करो, रिसीव द गॉड, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा छूने जा रहा है, पवित्र आत्मा टच करने जा रहा है, हीलिंग द पावर मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक जन जो है उनका विश्वास, उनका समर्पण, उनका जो है हर एक चीज मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, उनका कर्जा माफ हो जाए आज, उनका कर्जा माफ हो जाए यीशु के नाम से, उनका कर्जा प्रभु जी माफ हो जाए। ओ हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र पवित्र। ओ रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। ओ धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यस यस यस, कमॉन 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 कमॉन, परमेश्वर छूने जा रहा है, परमेश्वर आपकी कर्जा को मेरे प्रियो देख रहा है, परमेश्वर इस समय परमेश्वर आपकी हर एक दिक्कतों को हर एक प्रॉब्लम को मेरे प्रियो परमेश्वर देख रहा है। विश्वास करो मेरे मसीह भाई बहन, आज परमेश्वर आपकी जीवन को बदल रहा है, विश्वास करो। यस 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 यस, हालेलुया हालेलुया, यस यस यस, पवित्र आत्मा की अग्नि मेरे प्रियो आपके कर्जा को माफ करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके कर्ज को देख रहा है। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओ पवित्र 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 महान परमेश्वर पिता सेनाओं की यहोवा, धन्यवाद यीशु, बचाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद छुड़ाने के लिए धन्यवाद। हर एक जन की कर्जा को माफ करो आज, हर एक जन की कर्जा माफ होने जा रहा है, हर एक जन की कर्जा को आज प्रभु जी दूर करने जा रहा है। विश्वास करो परमेश्वर आपको, मेरे प्रिय परमेश्वर जो है आपके कर्ज को माफ़ करेगा, उद्धार करता परमेश्वर पिता आपके हर एक कर्ज को माफ़ करेगा और आपको नया जीवन देगा और नई ताकत और नई बल नई विश्वास के साथ परमेश्वर आपको उठाएगा। मैं कहता हूँ आपका आज आज जो है, अगर आप जितने मसीह भाई बहन ध्यान से इस प्रार्थना को सुने हैं, उनका कर्ज को परमेश्वर माफ़ कर दिया है, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने। हालेलुया।